आपने ऐसी कई रानियों और राजकुमारियों के बारे में सुना होगा जो सिर्फ़ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी। इनका सौंदर्य आज भी इतिहास के पन्नों में अमर है। ऐसे में आज हम आपको एक राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी गिनती दुनिया की सुंदर महिलाओं में होती थी। इतना ही नहीं, इस राजकुमारी को हॉलीवुड से फिल्मों के लिए कई ऑफर भी मिले थे। तुर्की के ओटोमन राजसी वंश की आखिरी शहजादी नीलोफर को सुंदरता की देवी भी कहा जाता था। इतना इनका जन्म साल में तुर्की की राजधानी इस्तांबुल के राजसी महल में हुआ था। नीलोफर के जन्म के समय तुर्की का राज परिवार आखिरी सांसें ले रहा था और उनका साम्राज्य उखड़ने लगा था। महज 2 साल की उम्र में नीलोफर ने अपने माता पिता को खो दिया। 7 साल की उम्र में वो अपनी माँ के साथ तुर्की छोड़कर फ्रांस में उनकी ज़िंदगी कठिन और साधारण लोगों की तरह हो गई थी। नीलोफर ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन नीलोफर किस्मत की धनी थी और दुनिया के सबसे धनी राज परिवार हैदराबाद निजाम की बहू बनी। हैदराबाद के आखिरी निजाम ने नीलोफर को अपने दूसरे बेटे अजाम जेह के साथ शादी के लिए चुना। साल 1931 में शादी के बाद नीलोफर हैदराबाद आ गई। कहा जाता है कि नीलोफर न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उनमें गजब का आकर्षण भी था। शादी के बाद नीलोफर जब हैदराबाद आई तो निजाम के परिवार में महिलाओं के लिए पर्दा का रिवाज था, लेकिन वे कभी पर्दे में नहीं रहीं बल्कि निजाम परिवार के महिलाओं के सार्वजनिक जीवन का बंद दरवाज़ा खोला। नीलोफर हैदराबाद की पार्टियों, समारोह और कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। अक्सर उन्हें किसी समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया जाता था, लेकिन नीलोफर के तौर तरीकों से निजाम की बेगम दुल्हन पाशा काफ़ी नाराज रहने लगी थी। ऐसा कहा जाता है कि बेगम अपनी बहू को जहर देकर मरवाना भी चाहती थी। नीलोफर राजसी परिवार के होने के साथ फैशन दीवा भी थी। उनकी पहनी हुई साड़ी की तस्वीरें न्यूयॉर्क फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लगी हैं। नीलोफर की साड़ियों को बनाने का काम फ्रांस की एक बड़ी फैशन फार्म करती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि उन्होंने साड़ी छोड़ी, पश्चिम नीलाब पहनना शुरू कर दिया। 1948 में जब हैदराबाद को भारत में मिल गया तो नीलोफर उस समय फ्रांस की यात्रा पर थी और पेरिस में ही रुक गई। नीलोफर जब फ्रांस वापस हैदराबाद नहीं लौटी तो उनके शौहर ने दूसरी शादी कर ली। साल 1952 में उन्होंने तलाक ले लिया, जिनमें उन्हें बहुत मोटी रकम मेहर के तौर पर मिली। इस रकम का बड़ा हिस्सा उन्होंने हैदराबाद में महिलाओं और बच्चों के लिए एक अस्पताल बनाने में दिया। नीलोफर अपने समय की सुंदर महिलाओं में से एक थी। कई वर्ल्ड मैगनीज ने तो उन्हें दुनिया की 10 खूबसूरत महिलाओं में चुना था। आपने अपने शौहर को तलाक देने के बाद वो फ्रांस में अपनी माँ के साथ रहने लगी। उस दौरान नीलोफर को हॉलीवुड से कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, लेकिन इसे उन्होंने ठुकरा दिया। कुछ समय बाद उन्होंने एक अमेरिकी युवक एडवर्ड पोप से शादी कर ली थी। साल 1989 में राजकुमारी नीलोफर का निधन हो गया। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।